हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन अजर्शन सेल्यूलोज एंड काइटिन आर बोथ होमोपॉलीमर्स तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है करेक्ट हो जाता है ठीक है सेल्यूलोज की अगर हम बात करते हैं सेल्यूलोज तो यहाँ पर मोनोमर यूनिट की तरह कौन है ग्लूकोज ग्लूकोज के लॉन्ग चेन मिलेंगे और सेम टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बनाए ना मोनोमर क्या है सिर्फ ग्लूकोज है मोनोमर्स यूनिट क्या है ग्लूकोज ठीक है अगर हम ऐसे दिखाएं ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोस इसी का लॉन्ग चेन मिलेगा आपको और क्या बनेगा पॉलीमर बनेगा जिसको हम कह देते हैं क्योंकि मोनोमर यूनिट सेम है तो हम क्या कहेंगे होमो पॉलीमर होमो पॉलीमर ठीक है काइटिन की अगर बात करें काइटिन काइटिन भी होमो पॉलीमर है क्योंकि यहां पर मोनोमर यूनिट क्या है एनिसटाइल ग्लूकोसाम एन एसिटाइल ग्लूकोसा मीन ठीक है यही मिल रहा है मोनोमर यूनिट की तरह और यहां पर और कुछ नहीं मिल रहा है एनेसिटाइक ग्लूकोसा मीन ही मिल रहा है मोनोमर यूनिट की तरह तो एनेसिटाइक ग्लूकोसा मीन को अगर हम एनएजी जी तो इसी का लॉन्ग चेन मिल रहा है एनएजी एनएजी ओके तो मोनोमर सेम टाइप है तो ये भी क्या हो गया होमोपॉलीमर तो करेक्ट अजर्शन क्या हो जाता है करेक्ट हो जाते हैं रीजन में दिया सेल्यलोज इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स काइटिन इज मेड अप ऑफ वेरिएबल मोनोमर्स मोनोमर यूनिट्स तो ये इनकरेक्ट हो जाता है काइटिन भी सेम टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बना है आइडेंटिकल मोनोमर से मिलकर बना है और सेलोज भी आइडेंटिकल मोनोमर से मिला है यहाँ पर मोनोमर ग्लूकोज है सेल्यूलोज में यहाँ इन स्टाइल ग्लूको है तो रीजन इनकरेक्ट हो जाता है बोथ अजर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन इन करेक्ट है बोथ अजर्शन रीजन आर ट्रो बट रीजन इज नॉट अ करेट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन इन करेक्ट हो जाता है अजर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है अजर्शन रीजन इज ट्रेन करेक्ट हो जाता है ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यू एन सर टी क्लास इलेवन पेज नंबर वन वन जीरो वन वन पर गिवेन है थैंक यू